अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत, जस्टिन ट्रूडो पर एलन मस्क की टिप्पणी और भारत से तनातनी के बीच कनाडा के पीएम अपना रंग लगातार बदल रहे हैं। अब जस्टिन ट्रूडो ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि कनाडा में खालिस्तानी रहते हैं, लेकिन इस सच को स्वीकार करते हुए ट्रूडो ने कई गुलाटियां मारी जिससे भारत और कनाडा के बीच कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। एक तरह से जस्टिन ट्रूडो ने वही कहा जो पिछले दिनों कनाडा के पूर्व मंत्री उज्ज्वल दोसांझ ने कहा था। उज्ज्वल दोसांझ ने कहा था कि खालिस्तानी कनाडा के सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ट्रूडो ने भी वही कहा कि खालिस्तानी कनाडा में सिख समुदाय का संपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उनका ये बयान भारत के उस रुख को सही ठहराता है जिसमें भारत ने आरोप लगाया था कि कनाडा सरकार खालिस्तानी समर्थक तत्वों को पनाह दे रही है। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि कनाडा में खालिस्तान के समर्थक हैं, इसलिए वे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसी तरह कनाडा में मोदी सरकार के भी समर्थक हैं, लेकिन वे सभी हिंदू कैनेडियाई लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये बयान उन्होंने ओटावा के पार्लियामेंट हिल में दिवाली समारोह के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कही। ट्रूडो के इस बयान से भारत और कनाडा के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव के बीच स्थिति और जटिल हो गई। जस्टिन ट्रूडो की ये टिप्पणी भारत और कनाडा के संबंधों पर असर डालने वाली है। वैसे ही 2023 में दोनों के बीच संबंधों में उस वक्त से खटास है जब से ट्रूडो सरकार ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स की भूमिका होने की बात कही थी और भारत में ऐसे आरोपों को खारिज कर दिया था, जिसके बाद भारतीय उच्चायुक्तों को निशाना बनाया गया तो भारत ने ओटावा में अपने उच्चायुक्तों को वापस बुला लिया, साथ ही कैनेडियाई राजनयिकों को निष्कासित भी कर दिया। मगर ट्रूडो सरकार द्वारा भारत पर आरोप लगाने का सिलसिला थमा नहीं, वो खुलकर खालिस्तानियों को समर्थन देते रहे। हाल में हिंदुओं पर जब ब्रैम्पटन में हमला हुआ तो ये एकदम साफ था कि हमला खालिस्तानियों ने ही नहीं किया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने इस हमले के मामले में खालिस्तानियों की आलोचना नहीं की। ट्रूडो ने कहा, हिंसा करने वाले लोग किसी भी समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उन्होंने कहा कि यहाँ हिंसा, असहिष्णुता या धमकी के लिए कोई जगह नहीं। तनाव की शुरुआत तब हुई थी जब जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ होने का आरोप लगाया था। यह घटना 2023 में जून में हुई थी। निज्जर को ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोलियों से मारा गया था। पहले सितंबर में 2023 में कनाडा और भारत के बीच रिश्ते और भी खराब हो गए थे। कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त को निज्जर की हत्या की जांच में एक रुचि रखने वाला व्यक्ति बताया। इसके जवाब में भारत ने इस आरोप को सख्त तरीके से नकारा और कनाडा के साथ अपने रिश्तों को और अधिक ठंडा कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कई बार कहा कि कनाडा सरकार ने निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का कोई ठोस सबूत साझा नहीं किया। भारत ने बार बार इस संबंध में जानकारी की मांग की थी। मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ट्रूडो पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया और यह भी कहा कि कनाडा सरकार ने अपनी जमीन पर खालिस्तानी तत्वों से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।